घर पे एकदम मस्त मजेदार पोरबंदर की फेमस मसाला खाचली। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मजेदार खाचली, मसाला खाचली। घर पर सेम टू सेम पोरबंदर की फेमस खाचली बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मस्त माप दिखा देती हूँ आपको कि एक कटोरी मैदा लेना है, आधा कटोरी तेल, आधा कटोरी डालडा घी और आधा कटोरी पानी। तो पहले हम पका हुआ बनाएंगे, वो दो आटा बनाना है पहले। तो पका हुआ बनाने के लिए एक पैन में हम ऑयल, आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे और आधा कप डालडा घी ऐड करेंगे। कहीं लोग सोचेंगे कि डालडा घी क्यों, रेगुलर घी से नहीं बना सकते, मगर नहीं, इसके अंदर डालडा घी का ही रिजल्ट अच्छा आता है। और एक कटोरी मैदा ऐड कर दिया है मैंने। ये तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं किया है, पहले हम अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन होगी तो उसमें गुठलियां पड़ जाएगी, वो हमको चाहिए नहीं। इस तरह का मेरा बैटर बन गया है, आप देख सकते हो एक भी गुठली नहीं है। तो अब हम गैस की फ्लेम शुरू करके उसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। मैंने बोला कि आधा हम पका लोट बनाएंगे और आधा कच्चा। तो कोई सोचता होगा कि कच्चा और पका का मतलब क्या है, मगर ये सीख कर हम बनाएंगे तो ये पका हुआ लोट कह सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से हमारा पकने लगा है। तो हम अभी भी पकाएंगे, उसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक, और उसकी स्मेल भी अच्छी तरह से आने लगेगी। तो इसके अंदर थोड़ा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे आटे के माप का और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे आटे का कलर एकदम मस्त गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब तक मैंने अच्छी तरह से उसको सेका है और इसकी स्मेल भी एकदम मस्त आने लगेगी। हमारे घर में तो सब पूछने लगा है कि मम्मा ये क्या बना रही हो। मेरे हस्बैंड भी आकर पूछा कि ये क्या बना रही हो, एकदम मस्त स्मेल आ रही है। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। तो अब हम इस गैस की फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और आधा कटोरी पानी रखा था वो ऐड कर दिया है और इसको भी एकदम मस्त तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा लोट एकदम मस्त तरीके से फूल गया है। इसमें से पानी का भाग खत्म हो जाए तब तक हम फिर से सेकेंगे इसको। एग्जैक्ट माप के बराबर आप बनाओगे ना तो ये एकदम मस्त तरीके से मसाला खाचली बनकर तैयार होगी। एकदम इजी ट्रिक है, मगर माप अच्छा होना चाहिए हमारा। तो अब हम देख सकते हो कि पानी खत्म हो गया है, उसमें अब पानी बचा नहीं है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फिर से थोड़ा मिक्स करेंगे। तो अब हम दूसरा माप बताएंगे। तो डेढ़ कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी पानी और आधा कटोरी डालडा घी। डालडा घी को मैंने पिघल लिया है और जीरा और मरी पाउडर को मैंने अच्छा कोट लिया था
पूरा पाउडर नहीं बनाया है, ये हमारा कच्चा लोट बनाने की माप है। तो इसके अंदर भी हमने मैदा ऐड कर दिया है, डालडा घी ऐड कर दिया है और जो मसाला हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से ही मिक्स कर लेंगे। आप सोचते होंगे कि मैंने तो घी से ही लोट बना लिया है, मगर नहीं, अभी भी उसके अंदर पानी आएगा। इस तरह के करने के बाद आप देख सकते हो इतना मौन है। अब मैंने इसके अंदर एक कटोरी पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसा मत सोचना कि एक क्या मैंने बैटर बना दिया, मगर नहीं, इसका हम आटा बनाएंगे। इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे तो हमारा आटा फॉर्म में अच्छी तरह से आ जाएगा। इस तरह से हमको कम से कम 5 से 7 मिनट तो कम से कम रखना है, ज्यादा करो तो 10 मिनट इस तरह से फेंट सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा आटा थोड़ा ठीक हो गया है। तो मैंने सिककर जो बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, पका हुआ लोट। मैंने पका हुआ लोट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोनों लोट आटे को। इस तरह से हमको दोने पका हुआ और कच्चा आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, डो बना लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डो जैसा बनने लगा है। पहले कैसा एकदम पानी जैसा था बेटर, मगर अब देखो कि हमारा डो जैसा बन गया है और हमारे खादली के लिए इस तरह का ही बेटर होना चाहिए। इसको मैंने रेस्ट करने के लिए 15 मिनट तक ढककर छोड़ दिया है। इस टाइम पर हम एक तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर छन्नी रख देंगे क्योंकि हमको खादली बनाकर इसके अंदर रखना है छन्नी में, क्योंकि हमारा ऑयल निकल जाए सब। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इतना आटा ले लेंगे हाथ में और उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ से ही टैप करेंगे। एकदम मुलायम आटा है तो इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरह से हाथ की मदद से ही हम उसमें काने करेंगे, मगर मेरा थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था काना, इसलिए मैंने फिर से किया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से कर हम आंगरे की मदद से इस तरह से डॉट कर लेंगे कि हमारी खादली फूले नहीं। इसके लिए तो हम दूसरा भी इस तरह से बनाकर दिखा देते हैं आपको। हाथ की मदद से ऐसे ही करना है और इतना ही ठीक रखना है, एकदम पतला नहीं करना है।
सब आटे में से हम इस तरह से सब खादली बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने एक साइड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल कितना गरम हुआ है। इसके अंदर एकदम हाई फ्लेम का ऑयल गरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऊपर बबल्स आने लगा, इतना ही ऑयल गरम करना है हमको। तो हम एक एक करके उसमें खादली ऐड करते जाएंगे। ये पहली खादली हमारी थोड़ी ऊपर आए, फिर ही दूसरी खादली उसके अंदर ऐड करना है हमको। इसका खास ध्यान रखना है, वरना वो नीचे चिपक जाएगी एक दूसरे से। तो आप देख सकते हो कि हमारी पहली ऊपर आ गई है, तो मैंने दूसरी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो उसको हम धीरे धीरे से पलटा लेंगे। इसको धीरे धीरे हम पलटाते पलटाते उसको पकाएंगे। इसको एक साइड रहने नहीं देना है, इसको धीरे धीरे हम पलटाते रहेंगे। कम से कम मैं हम पकाएंगे उसमें 15 से 20 बार मैंने पलटाया है। आगे पीछे करते रहना है हमको, और इसको अच्छी तरह से एकदम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करना है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसका खास ध्यान रखना है आपको। एकदम मस्त धीरे धीरे से हम बनाएंगे इसको। मुझे ये करने में कम से कम 10 से 12 मिनट पकने में हुआ है, और इसको मैंने निकाल लिया है और इस तरह से छन्नी में हम रख देंगे कि हमारा ऑयल जितना होगा इसके अंदर वो निकल जाएगा। इसके लिए तो मैंने सब इस तरह रख दिया है, और अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। आपको कट करके मैंने दिखाया, एकदम मस्त अंदर से जारी भी पड़ी है और हाथ से एकदम चूरा हो जाता है, एकदम सॉफ्ट बना है। आप देखते ही पता चल जाता होगा आपको। तो इस तरह से मैंने एकदम मस्त बाजार में मिलती है ऐसी मसाला खादली बनाकर तैयार कर ली है। तो आप भी घर पे जरूर ट्राई करना। चलिए फ्रेंड, हमने मस्त मजा की खादली की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।